आज हम ग्रामीण भारत एवं डिजिटल विकास के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख ऐप एंड पोर्टल पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गर्व ऐप ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित और विद्युतीकरण के उपयोग में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। मतलब गर्व ऐप किसका है? केंद्र सरकार का। याद रखिए, किससे रिलेटेड? विद्युत से, ग्रामीण विद्युतीकरण से। दिव्यांग सारथी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जनों का आसानी से सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा निर्मित है। किसके लिए? दिव्यांगों के लिए, दिव्यांग सारथी, और केंद्र सरकार का ये ऐप है। ई सनद भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश जाने वाले लोगों को डिजिटल दस्तावेज प्रमाणन के लिए ई सनद ऐप आरंभ किया गया। सरकार इसी ऐप के माध्यम से पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को लगातार सुगम सरल बना रही है। प्रिय सॉफ्ट ऐप, यह केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज से संबंधित सभी दस्तावेजों का संकलन करने वाला ऐप है। इसे ई पंचायत दस्तावेज ऐप भी कहा जाता है। तरंग ऐप केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का पोर्टल है, जिसके द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों उसके द्वारा संचालित की जा रही परियोजनाओं पर नज़र रखी जाती है, जिससे कंपनियों एवं सरकार के बीच पारदर्शिता आ सके। तरंग ऐप दीप ऐप यह विद्युत मंत्रालय का ई नीलामी पोर्टल है। दीप ऐप डिस्कवरी ऑफ इफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस ऐप बंधन तोड़ ऐप यह बिहार सरकार का है। बिहार सरकार का एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका प्रमुख उद्देश्य रूढ़ी युक्तियों से आम जनता को बाहर निकालना है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक असमानता के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। उमंग ऐप केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा आम जन के लिए प्रदान की जा रही है। सभी सरकारी सुविधाओं को और उनके वितरणों को मोबाइल के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। दूर संचार समावेशन का प्रमुख हिस्सा है। दीक्षा ऐप मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षकों की जीवन शैली को डिजिटल बनाने के लिए जारी किया गया ऐप है, जिसे शिक्षा के डिजिटल विकास में शिक्षक अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे सकें। हमराज ऐप भारतीय सेना ने अपने सेवारत जवानों को अपनी पोस्टिंग एवं ड्यूटी एवं प्रोन्नति से संबंधित की त्वरित प्राप्ति के लिए हमराज नामक मोबाइल ऐप जारी किया है। समाधान यह चुनाव आयोग का मोबाइल ऐप है, जहां पर भारत का कोई भी नागरिक, उम्मीदवार, राजनीतिक दल अपने सुझाव एवं शिकायत दर्ज करा सकता है। हरफत ऐप यह हरियाणा सरकार का मोबाइल ऐप है, जिसमें लोग सड़क स्थिति के बारे में राज्य सरकार की जानकारी दे सकते हैं। यह जानकारी सड़क की गुणवत्ता एवं रखरखाव से संबंधित है। पीपुल फर्स्ट यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया मोबाइल ऐप है, जो लोगों को शासन के अंतर्गत हो रहे कार्य निर्माण के बारे में पूर्ण एवं पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराता है। सी बॉक्स ऐप महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ऐप है। इस पर कार्यकारी महिलाएं अपने कार्यस्थल पर अपने साथ हुए उत्पीड़न की शिकायत पूरी गोपनीयता के साथ दर्ज करा सकती हैं। हिम्मत ऐप
यह महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मोबाइल ऐप है जिसे दिल्ली पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया है। सन 2020 से यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा इस ऐप को अपने यहाँ लागू करें। पेटीएम ऐप वर्ष सन 2010 में आरंभ किया गया पेटीएम मोबाइल वॉलेट है जिसकी करीब 3.25 करोड़ उपभोक्ता हैं। इसके संस्थापक श्री विजय शंकर जी हैं। कौन है श्री विजय शंकर जी? इसके संस्थापक हैं जिनको सन 2017 में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की श्रेणी में रखा गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार को की डिजिटल अर्थव्यवस्था और नकदी रहित विनिमय को मजबूत करना है, कैशलेस। भीम भारत इंटरनेट फॉर मनी। भारत इंटरनेट नोटबंदी के बाद भारत सरकार द्वारा जारी किए गए इस ऐप का प्रमुख उद्देश्य नकदी रहित विनिमय को सरल एवं सुगम बनाते हुए भारत को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। जीएसटी ऐप जीएसटी भारत सरकार द्वारा जीएसटी से संबंधित दिशा निर्देशों, कानून, भुगतान और नवीनतम जानकारियों को करदाताओं तक पहुंचाने के लिए इस ऐप को जारी किया गया है। आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सरकार द्वारा सन 2020 से सम्मिलित करने की बात कही गई, लेकिन महाराष्ट्र राज्य द्वारा आरटीआई से संबंधित समस्त दस्तावेजों को ऑनलाइन माध्यम से देने का प्रारंभ कर चुका है। यह सूचना दो भाषाओं में, अंग्रेजी और मराठी में प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य और दिल्ली प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है। वीर परिवार ऐप केंद्र रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के शौर्य दिवस के मौके पर मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीआरपीएफ शहीद परिवार की मदद के लिए नया मोबाइल ऐप सीआरपीएफ वीर परिवार का उद्घाटन किया। इस ऐप में शहीद परिवार वालों को मिलने वाले वित्तीय लाभ को दर्शाया जाएगा। दामिनी ऐप केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ऐसा ऐप बनाया जो बिजली गिरने से 30 से 40 मिनट पहले ही आपको सावधान कर देगा। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था IITM ने इस ऐप को बनाया है। खेलो इंडिया का मकसद देश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना और भारत को आने वाले समय में सपोर्टिंग सुपर पावर के तौर पर विकसित करना है। यह देश में अपनी तरह का पहला ऐप है जो देश में खेलों और फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। बोलो ऐप टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी गूगल ने एक नया ऐप बोलो लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों की हिंदी और इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। गूगल ने बोलो ऐप को सबसे पहले भारत में लॉन्च किया है। दर्पण ऐप ग्राहकों की सुविधा के लिए संचार मंत्रालय ने दर्पण ऐप की शुरुआत की है। देश के सभी डाकघरों में अब पोस्टल बीमा योजना की सेवाएं ऑनलाइन मिल सकेगी, जिसके जरिए सभी 1.29 लाख डाकघरों को आपस में जोड़ा जा रहा है। सचेत ऐप आम लोगों को कम ब्याज पर लोन देने के नाम पर उनकी गाढ़ी कमाई से अपनी जेब गर्म करने वाली फर्जी चिट फंड कंपनियों को लेकर अब भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को सचेत करना शुरू कर दिया है। दरअसल RBI ने इन चिटफंड कंपनियों पर नकेल कसने के लिए सचेत नाम से एक वेबसाइट sachetrbi.org.in लॉन्च की है। रीयूनाइट ऐप केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित
कैलाश सत्यार्थी ने गुमशुदा और परित्यक्त बच्चों का पता लगाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। ऐप का नाम रीयूनाइट है, जिसे सत्यार्थी जी नीत बचपन बचाओ आंदोलन और आईटी कंपनी के कैंप से मिनी ने मिलकर तैयार किया है। कंपनी कैप जेमिनी ने मिलकर तैयार किया है। कोलैब कैड तेरह अप्रैल सन 2020 को अटल नवाचार मिशन नीति आयोग एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान ने संयुक्त रूप से अटल टिकरिंग लेबोरेटरीज स्कूलों में एक सहयोग पूर्ण नेटवर्क कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम कोलैब कैड लॉन्च किया। उद्देश्य संपूर्ण देश में अटल टिकरिंग लेबोरेटरीज के छात्रों को रचनात्मक और कल्पना से युक्त प्रभाव के साथ 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने हेतु एक मंच प्रदान किया करना है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल एवं मोबाइल ऐप एकीकृत पोर्टल पंचायत राज मंत्रालय की एक नई पहल है, जो ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना GDP को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए एकल मंच प्रदान करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हर जानकारी ई ग्राम स्वराज वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिलेगी। पंचायत राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले को सर्वोच्च योजना निर्माण और निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार प्रदान किया है। जिले को यह पुरस्कार तुज्जर शरीफ पंचायत ब्लॉक की जलूरा ग्राम पंचायत के लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश की टोल फ्री सेवाएं वुमेन पावर लाइन 1090 15 नवंबर सन 2012 से इस टेलीकॉम सेवा को शुरू किया गया। इससे कोई महिला तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेगी। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 प्रदेश सरकार की यह सुविधा बच्चों की सहायता से संबंधित है। नेशनल एम्बुलेंस सेवा 102 यह सेवा NRHM के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 जनवरी सन 2014 को प्रारंभ की गई है। UP 112 सेवा प्रदेश के लोगों को आपातकालीन सेवा प्रदान करने हेतु अमेरिका के डायल 911 सेवा के तर्ज पर प्रदेश स्तरीय पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली UP 100 सेवा का लोकार्पण 19 नवंबर सन 2016 को मुख्यमंत्री ने लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में नवनिर्मित यूपी भवन में किया। 26 अक्टूबर सन 2019 से इस नंबर को 112 सेवा नाम दिया गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यही 112 नंबर आपातकालीन पुलिस सेवा नंबर के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायल 170 सेवा लोगों को उनके गांवों व घरों तक भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने डायल 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट परियोजना के संचालन हेतु 18 नवंबर सन 2016 को स्वीकृति दी है। PPP मॉडल पर चलने वाले इस सेवा के पहले चरण में राज्य के 36 जिलों में नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिटों का संचालन होगा। इसका व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन करेगा। इस तरह हमारा ये यूनिट समाप्त होता है।